का यह आयोजन हमारे जो बाकी आयोजन है उससे थोड़ा अलग है और ये हमें भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। आंदोलन हमने बहुत बड़े बड़े किए हैं, बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, जीत भी हासिल की है, लेकिन ये विशेष अवसर है। सीआईटीयू ने बहुत लंबे टाइम पर पहली बार महिला दिवस के मौके पे इस तरह का एक आयोजन किया है और ये आयोजन जो है ये केवल इस बात के लिए नहीं है कि ये जो कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, इनका वेतन बढ़ना चाहिए, ये पक्के होने चाहिए, इनकी सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, बल्कि ये इसलिए है कि महिला होने के नाते हमारे साथ जिस भी तरह की दुभात है समाज में और राज हमारे साथ जो भी हमारे साथ भेदभाव करता है, आज हम उसके खिलाफ इकट्ठा हुए हैं और इसके लिए हम आज सरकार की जेल भरने के लिए तैयार हैं, इसलिए यहाँ आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। आज मानसरोवर पार्क में, रोहतक के मानसरोवर पार्क में बहुत सी महिलाएं और मजदूर इकट्ठे हुए हैं और सामने अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा का रोष प्रदर्शन है और महिलाओं का जेल भरो आंदोलन है। सीआईटीयू जिला रोहतक कमेटी की तरफ से ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पीछे इनकी क्या मांग मुद्दे हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि इन लोगों का ऐसी क्या बातें हो गई कि इन लोगों को जेल भरो का ये आंदोलन करना पड़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं इनके जो अध्यक्ष हैं इस समय इस रोष प्रदर्शन के और देखना चाहते हैं कि वो क्या मांग मुद्दों को लेकर अपना ये जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। यूनियन की जिले की प्रधान हूँ और जो हम 6 मार्च की इसमें जेल भरो आंदोलन में आज जो 8 मार्च का महिला दिवस मनाया जाता है, वो आज 6 मार्च को महिला दिवस के बजाय हम जेल भरेंगे। जेल भरने के लिए सरकार ने अमलाचार बना दिया कि हमने जेल भरनी पड़ी, नहीं तो महिला दिवस का मतलब क्या होता है वो तो सरकार को भी पता होगा। और जो भी हमारे साथ जो हो रहे हैं, जैसे छोटी छोटी बच्ची हैं भाई, कोई महिला है, जैसे हम काम करने जाते हैं कोई अपशब्द बोलता है, किसी के साथ कोई भी वो हो जाती है, उसको भी मतलब सरकार का कोई वो नहीं, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है हमारे पास जिसके हम कुछ कर सके। और इतने इतने काम थमा दिए सरकार ने, सारे जेंट्स को करो चाहे मर्द को, किसी हिसाब का करना चाहिए। और जो भी हमारी जो सुरक्षा है वो कोई सुरक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। जैसे 6 मार्च को हम सब यहाँ जो भी मिलजुल कर महिला दिवस मनाया जा रहा है, वो महिला दिवस नहीं है, वो जेल भरने का है। और सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि महिला किसी से कम नहीं है और जैसे भी कुछ भी महिलाओं के ऊपर कोई भी आंच आ, मिलजुल कर सभी है ये इसके सामना करने के लिए तैयार है। सरकार से हम डरते नहीं, हमने पहले भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन करे हैं, अब हम फिर से तैयार हैं। और जो 3 साल की 5 साल की बच्ची उनके साथ रेप हो जाती, सरकार को रिएक्शन लेती। और जैसे आशा वर्कर है जो एरिया में काम कर रही है उनके साथ कोई भी उसका दुष्प्रभाव हो जाता, सरकार को कोई नहीं, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दे रहा कि उनको काम थमाया जा रहा है।